हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि छोटे बच्चों को आफ्टर और बिफोर नंबर कैसे सिखाना है। दोस्तों, आप जब भी कहीं छोटे बच्चों को आफ्टर और बिफोर नंबर सिखाने के लिए सर्च करते हैं तो आपको स्केल मेथड के थ्रू बच्चे को आफ्टर या बिफोर नंबर सिखाने को मिलता है, जो मुझे बहुत ही टफ लगता है। छोटे बच्चे जो भी बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक 3 to 4 ईयर्स ओल्ड, उन्हें ये स्केल मेथड कन्फ्यूज कर देता है। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्केल मेथड को समझ जाते हैं, कैश कर लेते हैं, बट सारे बच्चे स्केल मेथड को समझ नहीं पाते हैं, वो उससे आफ्टर और बिफोर नंबर सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आज हम सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को बहुत ही ईजी, बहुत ही मजेदार तरीके से आफ्टर और बिफोर नंबर करना सिखाएंगे। ये मेथड बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। बस जरूरत होती है तो वो ये कि बच्चों को काउंटिंग आना चाहिए। अगर आप बच्चों को आफ्टर नंबर सिखा रहे हैं तो बच्चे को फॉरवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर आप बच्चे को बिफोर नंबर सिखा रहे हैं तो बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए, लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपको कभी भी एक साथ छोटे बच्चे को 0 से 100 तक आफ्टर और बिफोर नंबर नहीं सिखाना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जैसे हमने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके काउंटिंग सिखाए थे इससे पहले वाले वीडियो में, वैसे ही यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को आफ्टर और बिफोर नंबर सिखाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई आइकन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बच्चे को आफ्टर नंबर कैसे सिखाना ये जानते हैं। सबसे पहले हम 0 से 10 नंबर के लिए बच्चे को आफ्टर नंबर सिखाएंगे। इसके लिए एक कप कॉपी लीजिए और 0 से 10 तक की काउंटिंग राइट कर दीजिए। सबसे पहले आप 0 से 10 तक नंबर राइट करके अपने बच्चे को इस तरीके से दे दीजिए और बच्चे को ऐसे पूछिए, आफ्टर 0 1, आफ्टर 1 2, आफ्टर 2 3, आफ्टर 3 4, फिंगर रख के बताओ बेटा, आफ्टर 4 5, आफ्टर 5 6, आफ्टर 6 7, आफ्टर 7 8, आफ्टर 8 9, आफ्टर 9 10 10। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप बच्चे को 2 से 4 बार प्रैक्टिस कराइए। इसके बाद आप बच्चे को बिना शो ऑफ किए पूछिए, जस्ट लाइक दिस, बेटा टेल मी आफ्टर 0 1, आफ्टर 1 2, आफ्टर 2 3, आफ्टर 3 4, आफ्टर 4 5, आफ्टर 5 6, आफ्टर 6 7, आफ्टer 7 8, आफ्टर 8 9, आफ्टर 9 10। वेरी गुड। सो इसी तरह से आप इसी मैनर से बच्चे को आगे की काउंटिंग के लिए आफ्टर नंबर की प्रैक्टिस करवाएं। बस आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप आगे आफ्टर नंबर के लिए बढ़ते हैं तो बच्चे को आगे की काउंटिंग भी याद होनी चाहिए। लाइक अगर आप 11 से 20 के लिए आफ्टर नंबर बच्चे को सिखाने वाले हैं तो बच्चे को 11 से 20 तक की काउंटिंग आनी चाहिए, लाइक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब बच्चे को 11 से 20 तक की काउंटिंग याद हो जाए तब उसके बाद आप 11 से 20 के लिए आफ्टर नंबर करवाएं। आइए अब बात करते हैं कि बच्चे को बिफोर नंबर कैसे सिखाएं। बच्चे को बिफोर नंबर सिखाने के लिए आपको अपने बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग याद करवानी होगी। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके आप बैकवर्ड काउंटिंग याद करवाएं। पहले आप 10 to 0 की प्रैक्टिस करवाएं इस तरीके से, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। छोटे बच्चों की लर्निंग पावर तेज होने की वजह से बच्चा 5 से 6 बार के प्रैक्टिस में ही से याद कर लेगा। 10 to 0 बैकवर्ड काउंटिंग याद हो जाने के बाद अब आप अपने बच्चे को बिफोर नंबर सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चे से 10 to 0 तक बैकवर्ड काउंटिंग सुनिए। 5 से 6 बार बच्चे से बैकवर्ड काउंटिंग सुनने के बाद अब आप अपने बच्चे से इस मैनर में पूछिए, बिफोर 10 9, बिफोर 9 8, बिफोर 8 7, बिफोर 7 6, बिफोर 6 5, बिफोर 5 4, बिफोर 4 3, वेरी गुड, बिफोर 3 2, बिफोर 2 1, बिफोर 1 0,
वेरी गुड। सो इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर बच्चा खुद ही समझ जाता है कि आफ्टर नंबर का मीन्स होता है फॉरवर्ड काउंटिंग और बिफोर नंबर का मीन्स होता है बैकवर्ड काउंटिंग, और आप जैसे जब भी उसे क्वेश्चन करते हैं वो आपको आंसर दे देता है। या खुद ही आप बच्चे को ये बात बता सकते हैं कि बच्चा जब आपसे कोई आफ्टर नंबर पूछे तो इसका मतलब होता है कि आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, और जब आपसे कोई बिफोर नंबर पूछे तो इसका मतलब होता है आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। और फिर आप बच्चे से जब भी क्वेश्चन करते हैं कि बच्चा व्हाट कम्स आफ्टर 3 या व्हाट कम्स आफ्टर 7, बच्चे को समझ में आ जाती है कि उसे फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है और बच्चा आपको आंसर कर देता है। इसी तरह जब आप अपने बच्चे से बिफोर नंबर पूछते हैं लाइक बच्चा व्हाट कम्स बिफोर 2, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसे बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और वो बैकवर्ड काउंटिंग करके आपको आंसर कर देता है। आफ्टर 2 3 आफ्टर 6 7 आफ्टर 8 9 आफ्टर 9 10 बिफोर 1 बिफोर 1 0 वेरी गुड। बिफोर 5 4 वेरी गुड। बिफोर 9 8 वेरी गुड। बच्चों को आफ्टर और बिफोर की प्रैक्टिस कराने के लिए आप ऐसे वर्कशीट बनाकर उन्हें आप राइट करने को दें। साथ में आप ये भी समझाइए कि अगर ये डैश किसी नंबर के बाद होता है तो इसका मतलब आपको आफ्टर नंबर राइट करना है, और अगर ये वाला डैश किसी नंबर के पहले होता है तो इसका मतलब आपको बिफोर नंबर राइट करना है। बच्चे को ये वर्कशीट देते हुए थोड़ी सी आप उसकी हेल्प कीजिए। इनिशियल पर शुरू में आपको थोड़ी हेल्प करनी होगी बच्चे की। आप उसको ऐसे बोलिए बच्चा आफ्टर 2 आफ्टर 2, बच्चा आपको 3 बताएगा, उससे बोले यहाँ 3 राइट करो। बच्चा आफ्टर 6 आफ्टर 6, बच्चा 7 बोलेगा, उससे बोले यहाँ 7 राइट करो। बच्चा आफ्टर 7 आफ्टर 7, बच्चा 8 बोलेगा, आप उसे बोले यहाँ 8 राइट करो। तो इस तरीके से आप उसकी हेल्प कीजिए। बिफोर के लिए आप ऐसे बच्चे की हेल्प करेंगे बच्चा बिफोर 2 बिफोर 2, बच्चा बोलेगा 1, उसे बोले यहाँ 1 राइट करो। बिफोर 5 बिफोर 5, बच्चा आंसर करेगा 4, आप बोले कि यहाँ 4 राइट करो। बिफोर 8 बिफोर 8, बच्चा अगर आपको आंसर करता 7 तो उसे बोले यहाँ 7 राइट करो। तो इस तरीके से आप बिफोर की प्रैक्टिस करवाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आपने नया विजिट किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।